नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको प्रदीप नाम के लड़के के साथ घटी हुई एक बहुत डरावनी घटना की कहानी सुनाऊंगा, जिसके साथ एक फैक्ट्री में घटी, वो भी मुंबई की। जितनी कहानियां आप सुनते हैं उनमें से मैक्सिमम कहानियां कोई छोटे गांव की होती है, छोटे शहर की होती है, कोई कोई तो ऐसी जगहों की होती है जिसके बारे में तो आपने पहले कभी नहीं सुना हो। लेकिन मुंबई के बारे में सब जानते हैं भाई। मुंबई एक ऐसा शहर है जो कि भरा पूरा है, ढेर सारे लोग यहाँ पर रहते हैं और कहते हैं कि मुंबई कभी सोता नहीं। एक ऐसी ही जगह पर एक ऐसी घटना घट गई जहाँ पे लोग सोते नहीं, ऐसा कहा जाता है। तो भाई 2017 के टाइम पे प्रदीप नाम का ये लड़का झारखंड के एक छोटे से गांव से मुंबई पहुँचता है कोई नौकरी चाकरी करने के लिए, कि कहीं पर भी कोई काम धाम मिल जाए तो अपना गुजर बसर करने लगे, अपना करियर आगे बढ़ाए। टैलेंट था, ट्रक चलाना आता था, सब्जी का भी काम किया हुआ था अपने गांव में, सब्जी बेचना वगैरह। यहां पर पहुंच गया, अपने एक दोस्त के साथ रहा, बहुत टाइम तक बहुत प्रयत्न किया, उसको कुछ नहीं मिल पाया। फिर अपने उसी दोस्त से कहता है कि भाई तू क्यों मुझे इतना भटकता हुआ देख रहा है, तू अपनी फैक्ट्री में कुछ जुगाड़ क्यों नहीं लगा देता। दरअसल प्रदीप जिस दोस्त के घर पर रह रहा था वो उसका दोस्त खुद एक फैक्ट्री पे काम करता था। उसके दोस्त ने बोला ठीक है चल, जितना मुझे पता है कि कोई वैकेंसी नहीं है हमारी फैक्ट्री में, लेकिन फिर भी तू इतना बोल रहा है तो मैं तेरे लिए पता करता हूँ। वो गया अपनी फैक्ट्री में, पता किया सेठ से, सेठ ने बोले कि ठीक है भाई नाइट शिफ्ट में हम उसको लगाएंगे, लेकर आओ। ये सुना दोस्त और बड़ा हैरान रह गया कि प्रदीप को नाइट शिफ्ट में डालने की सेठ जी बात कर रहे हैं। प्रदीप के पास आया, प्रदीप बोलता है कि भाई तूने पता किया कि अपनी फैक्ट्री में कोई वैकेंसी है क्या। तो ये बोलता है कि हाँ भाई पता किया, सेठ जी बोल रहे थे नाइट शिफ्ट में तेरी जॉब दे सकते हैं वो तुझे, तो मैं तेरी भलाई के लिए कह रहा हूँ तू छोड़ दे, तू भूल जा नाइट वाइट शिफ्ट में, तू मेरी फैक्ट्री में मत आना, कुछ भी हो जाए, कुछ भी काम कर ले, मेरी फैक्ट्री में नाइट शिफ्ट नहीं। तो अपना प्रदीप बड़ा हैरान हुआ कि भाई जब वैकेंसी मिल रही है, तेरी फैक्ट्री में किसी की जरूरत भी है, नाइट शिफ्ट में मुझे कोई काम करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, तो तू रोक क्यों रहा है। वो दोस्त बोलता है कि नहीं यार, दरअसल हमारी फैक्ट्री के बारे में लोग बहुत उल्टी सीधी बात करते हैं। हमारी फैक्ट्री में ना कुछ साल पहले कोई तो घटना हुई थी, जिस घटना की वजह से वहाँ पर रात में कोई काम नहीं करना चाहता है। ये बोलता है कि कौन सी घटना हो गई थी। दोस्त कहता है कि नहीं यार, उस घटना के बारे में कोई डिटेल में कभी डिस्कस करता भी नहीं है, छोड़ना तू ये सारी चीज़ों में क्यों घुस रहा है, तू थोड़े दिन रह, तू खा पी, मैं तो करवा रहा हूँ ना तेरा सब, तो इतना क्यों टेंशन ले रहा है, मिल जाएगी कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन प्रदीप भी थोड़ा सा उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट जवाब दे रही थी, क्योंकि बहुत दिन हो गया था दोस्त के घर बैठे बैठे उसके पैसों का खाते खाते। ये बोलता है कि तू मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं संभाल लूँगा, बस तू मेरा जुगाड़ लगवा दे। ये बोलता चल तू इतनी जिद कर रहा है तो चल, एक दिन खुद काम करेगा, वहाँ से भाग किया जाएगा। प्रदीप खुश हो जाता है, अगले दिन तैयार होकर अपने दोस्त के साथ फैक्ट्री पहुँच जाता है। फैक्ट्री में सेठ जी थे, मेन मालिक नहीं, मैनेजर वगैरह रहा होगा ये, उसके पास इंटरव्यू देता है और सेठ जी बोलते हैं कि ठीक है भाई मैं तुझे 7,000 रुपये दूंगा, नाइट शिफ्ट में जॉब करना है और तेरा जो खाने वाने का भी है वो हमको बिल दे दिया करना, घर पे बनाएगा क्या। इसने बोला नहीं घर पे बनाते नहीं आता है, बाहर से बुलाऊंगा। बोले ठीक है बिल दे दिया करना, हम उसका भी तेरा खर्चा निकाल देंगे, क्योंकि क्या होता है ना कि हम लोग ज़्यादातर कूपन देते हैं, लेकिन अब तू क्या दिन में तो सोता रहेगा, इसलिए तू बाहर से खा बढ़िया से और हम तेरा बिल का खर्चा दे देंगे। ये इतना खुश हो गया जिसकी कोई लिमिट नहीं यार, बहुत छोटे गांव का लड़का सब्जी बेचा करता था, छोटे से गांव में 7,000 इनकम नहीं होती इतने छोटे गांव में कई बार सब्जी वब्जी बेच के, तो ये शहर में सुना कि 7,000 मिले, खाने के भी पैसे दे रहे हैं, रहने का तो जुगाड़ है ही मेरे दोस्त का, उसके साथ रूम शेयर कर लूँगा, बहुत कम किराया लग रहा है, लाइफ मेरी पूरी सेट है। वो एकदम एक्साइटमेंट में हाँ बोल देता है। हाँ बोल के जैसे ही बाहर निकलता है, बाहर बैठा हुआ था फैक्ट्री का वॉचमैन, बोलता है कि क्यों भाई इंटरव्यू के लिए आए हुए थे, नाइट शिफ्ट में तो तुम्हें काम नहीं दे दिए ना। ये बोलता है कि नहीं नाइट शिफ्ट में ही दिए हैं। वॉचमैन बोलता है कि भाई मुझे मालूम है, आए दिन यहाँ पर ऐसे लड़के आते हैं जो इंटरव्यू दे के यहाँ से जाते हैं, उनको बोल दिया जाता है नाइट शिफ्ट में काम करो, वो बेचारे आते हैं और कई बार तो बहुत सारे लोगों के मृत शरीर यहाँ से बाहर निकलते हैं। तुमको अगर ज़िंदा रहना है तो यहाँ पर नाइट शिफ्ट में जॉब मत करना, चाहे जो हो जाए भूखे मर जाना, भीख मांग लेना। ये बोलता है कि भाई कैसी बात कर रहे हो यार, अजीब से लोग हैं यहाँ पर। थोड़ा सा मन में बोलता भी है कि मुंबई शहर में किस तरह के लोग हैं यार,
हमारे गांव में किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो 10 लोग हेल्प करने के लिए जुड़ जाते हैं। यहाँ पे तो मुझे कुछ मिल रहा है तो हर एक इंसान मेरा पत्ता काटने में लगा हुआ है, यहाँ तक कि मेरा खुद का दोस्त भी जो बचपन से मेरे साथ रहा है, पला बड़ा है, मेरे ही गाँव का है, यहाँ हाँ बोल देता है वॉचमैन को। और फिर जो सेठ जी ने बोले थे उस टाइम पर अगले दिन रात में जॉब करने के लिए पहुँच जाता है। वॉचमैन ने फिर से कहा है इसको रात के समय, बोला देख भाई मैं बाहर बैठे रहता हूँ, तू अंदर जा रहा है, तेरे ऊपर है, अभी भी तू लौट के जा सकता है, मत कर ये सब काम। बोलता है ऐसा क्या काम यार, बड़ा सिंपल सा काम है, सेठ जी ने बताए हैं कि रात के समय जाके जितनी भी मशीन है उनमें ऑयलिंग करना है ताकि दिन में ये फंक्शनिंग प्रॉपर से कर सके। मुझे कोई इतना बड़ा काम दे नहीं दिए, कोई गलत काम भी नहीं दिए, तुम्हें क्यों पीछे हटूँ, आप अपना काम करो ना यार, मेरे को अपना काम करने दो। थोड़ा सा ये वॉचमैन को सुना देता है और अंदर जाते और देखता है लिटरली रात के समय अंदर एक इंसान भी मौजूद नहीं है। सेठ जी ने बताए हुए थे ऑयल कहाँ रहता है, ऑयल का डब्बा, बड़ा सा डब्बा, और ऐसी छोटी मोटी फैक्ट्री नहीं भाई, आप लोग सोचेंगे कि खाली मशीन में तेल डालने के इसको इतने पैसे मिल गए, नहीं, बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स, ढेर सारी मशीन्स, फैक्ट्री भी बहुत बड़ी थी, अलग अलग पार्ट्स में ऑयलिंग करने का इसको काम दिया गया था, हर रात को इसको करना होता था। अब पता नहीं किसकी फैक्ट्री थी, क्या काम होता था, लेकिन करना होता था। तो भाई ये क्या किया, डब्बा उठाया और मशीन्स में ऑयलिंग करना शुरू कर दिया। ये इतने सारे उसमें पार्ट्स थे, इतने सारे मशीन के जॉइंट्स थे, दुनिया भर की चीज़ें थी कि लिटरली नॉनस्टॉप भी सब में ऑयलिंग करता ना तो भी 5 से 6 घंटे चले जाते। खैर ये करना शुरू किया और रात के 12 बज गए, काम कंप्लीट नहीं हुआ। इसने सोचा कि अब कुछ खा लेता हूँ, ये डब्बा पैक करा के लेकर आया था दोस्त के घर पे, जहाँ पर रुका हुआ था ना उसके बाजू में ही एक मैस थी, वहाँ से डब्बा पैक करा कर लेकर आया था। बढ़िया से सब सेट था, लगभग 50% काम इसने डन कर दिया था क्योंकि आज पहला दिन था, थकान थकान जाए भाड़ में यार, पहली बार इतने बड़े शहर में, ड्रीम सिटी में, हाँ माया नगरी में काम मिला है, हम पूरी शिद्दत से करेंगे, और इस शिद्दत से कर रहा था। बढ़िया से खाना खाने बैठा है, अचानक से इसको पीछे से ढोंढों 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 की आवाज़ सुनाई दी। ये पलट कर देखा तो एक मशीन अपने आप चालू हो गई। ये बड़ा शौक हुआ कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। ये उठा और मशीन का वो जो बटन था, जो भी उसका लीवर था, उसको बंद कर दिया, मशीन भी बंद हो गई। फिर आकर बैठा, अपना खाना वाना खाया है, जाके बढ़िया से हाथ धो ही रहा था, थोड़ा आगे तरफ उनका ऐसा हाथ वाथ धोने का, प्लेट लेट धोने का, डब्बा धोने का बना हुआ था, वहाँ पे अपना हाथ धो रहा है, डब्बा को पैक करके रख ही रहा है कि फिर से ढोंढों करके एक दूसरी मशीन चलने लगी। इसका दिमाग ख़राब हो गया, बोला यार ये तो सब बंद है, अपने आप कैसे चालू हो रही है। ये लीवर के पास तक पहुँचा, फिर से लीवर को बंद किया है, बंद करके जैसे ही पीछे पलटा है तो इस बार बड़ी वाली मशीन चालू हो गई। इसको अजीब सा डर लगा कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। ये बड़ी वाली मशीन इतनी बड़ी थी कि एक एंड में खड़ा हुआ है जहाँ पर लीवर्स थे और दूसरे एंड में क्लियर कुछ दिखाई भी ना दे जब तक प्रॉपर लाइट चालू ना रहे, और ये तो रात का वक्त था। तो इसको ना दूर से क्या दिखाई देता है कि मशीन के वो दूसरे वाले एंड की तरफ कोई तो अभी चल कर आया, यहीं से खड़े खड़े आवाज़ लगा रहे, भाई कौन है, ये मशीन तुमने चालू किए हो क्या। लेकिन मशीन की आवाज़ भी थी, बड़ी मशीन थी ना, तो शायद इसकी आवाज़ वहाँ तक जा नहीं पा रही थी, इसको ऐसा लगा। इसने सोचा कि वहाँ पे जाके इससे पूछता हूँ कौन है कौन नहीं, ये मशीन क्यों चालू किया, हो सकता है फैक्ट्री का ही कोई आदमी हो, वही चालू कर रहा हूँ, मैं उसको देख नहीं पाया हूँ। ये चल के जाता है उस मशीन के दूसरे वाले एंड की तरफ और देखना शुरू कर देता है कि कौन था भाई, कोई तो यहाँ से बाहर से चल कर आया है, लेकिन कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। कितने में इसको ऐसा कोई भागता हुआ समझ में आता है, मतलब जहाँ पर ये खड़ा है उसके राइट साइड में एक कैबिन जैसा बना हुआ है जहाँ पर कुछ इंजीनियरिंग वर्क होता था, इसको दिखाई दिया, वो कांच का दरवाज़ा था, उस कैबिन में एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर की तरफ कोई भागा। अब देखो लाइट्स वाइट्स ऑफ थी, रात का वक्त था, ये अकेला आदमी काम कर रहा था, ये उस तरफ देखा कि कोई तो भागा है, इस तरफ चल कर गया। जैसे दरवाज़ा खोला तो क्या पाया कि उस कैबिन की जो चेयर है वो पीछे की तरफ घूमी हुई है, ठीक है, यानी उस चेयर का जो मुँह है ऐसे दीवार की तरफ है और इसको क्लियर दिख रहा है, समझ पा रही है किसी ने ऐसा हाथ रखा है कि उस चेयर में कोई बैठा हुआ है। तो इसको लगा कि यार हो सकता है कोई बड़ा अफसर होगा, कोई सेठ होगा अपनी फैक्ट्री का, वो आकर बैठा होगा और वही मशीन बंद चालू कर रहा था, मुझे समझ में नहीं आ पाया,
लीवर तो यहाँ पर है ही, हो सकता है भाई बड़ा आदमी है ये, बड़ा ऑफिसर है, इसको कोई दूसरी बटन के बारे में मालूम हो, ये कुछ कर रहा होगा। ये धीरे से अब अपनी अपनी टोन डाउन कर देता है और कहता है, सर आपने मशीन चालू की है क्या? सर कोई रिस्पॉन्स नहीं देते, अपनी चेयर हल्की हल्की घुमाने लगते हैं, ऐसे कर रहे चेयर। सर मैं मशीन बंद कर दूँ या चलने दूँ? वो कुछ नहीं कहता है, ऐसे। ये फिर से कहता है कि सर वो सेठ जी ने कहे थे कि मशीन रात में चालू नहीं करना है, सिर्फ ऑयलिंग करना है, इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूँ। झटके में कुर्सी पीछे घूमती है। जैसे ही कुर्सी पीछे घूमी, क्या दिखाई दिया है? कुर्सी में जो कोई भी बैठा हुआ है ना, उसका खाली मुंह वाला पार्ट है और सिर्फ हाथ वाला पार्ट है, बाकी ये जो पूरा पोर्शन है ये कंकाल है। ये देखकर बहुत जोर से डर गया और चिल्लाता हुआ भागा। जैसे ही भागा और ये उस मशीन के पास तक पहुंचा जो बड़ी वाली मशीन थी और वो जो चल रही थी, ये अपने आप एक झटका खा के रुक गया और इसको ऐसा लगा कि अब मेरा शरीर मेरे हवाले नहीं है। इसको सब मालूम है मैं कौन हूं, मैं कहां पर खड़ा हूं, मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन अब ये अपने माइंड से अपने शरीर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। ये उस मशीन का जो मेन ऐसा वाला पोर्शन था ना कि जिसके बीच में कोई लोहे का इतना बड़ा पीस भी आ जाए तो वो चकनाचूर हो जाए, ये उस पार्ट की तरफ बढ़ने लगा अपने आप। और इसके मन में आ रहा है कि मैं अपना हाथ और अपना पूरा शरीर उस मशीन के बीच में घुसा दूँ। ये लिटरली उसकी तरफ जा रहा है और अपना हाथ, जैसे मशीन का पार्ट है ना, समझ लो कि यहाँ पर टच हो गया तो गया, इसका खेल ही नहीं पड़ जाएगा, पूरी मशीन इसको अंदर खींच लेगी। ये इतनी पास तक पहुँचा ही है कि झटके में इसको कोई पीछे खींचता है और पटक देता है जमीन में। ये रियलाइज करता है बाप रे, और देखता है कि सामने वॉचमैन खड़ा हुआ है जो कि इसको लाख बार मना किया था कि तू नाइट शिफ्ट में यहाँ पर काम मत कर। ये तुरंत रियलाइज करता है मेरे साथ कुछ तो ऐसा हो गया जो मैं किसी को भी बताऊंगा जिंदगी में मेरे ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा, इसलिए ये तुरंत वहां से उठ के बाहर निकलता है। वॉचमैन भी उसके पीछे पीछे बाहर। वॉचमैन को बोलता है कि बहुत अच्छा हुआ आप एक सही समय पर आ गए, पता नहीं क्यों ऐसा कुछ मेरा मन कर रहा था कि उसके अंदर मैं पूरा चले जाऊं, और मैं एक इंच से बचा हुआ था, मैं जाने ही वाला था, मैं नहीं जाना चाह रहा था लेकिन फिर भी मैं जा रहा था उस मशीन के अंदर। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ आप बता सकते हो क्या? ये बहुत बड़ी नौकरी है, इस नौकरी को मैं छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन आपकी बहुत मेहरबानी होगी आप मुझे बता देंगे कि ऐसा क्यों मेरे साथ हो रहा था, इस फैक्ट्री के अंदर क्या है, मेरा दोस्त आप सब लोग क्यों मना कर रहे थे यहाँ पर नाइट शिफ्ट में काम करने से, अंदर जो मैंने देखा वो कौन था, कुर्सी में मैंने बैठा देखा किसी को जिसका सिर्फ मुंह था, हाथ था, लेकिन बाकी का पार्ट सिर्फ एक कंकाल की तरह था, वो कौन था प्लीज बता दीजिए। वॉचमैन बोलता है ठीक है चल बाहर चल, पहले तू यहाँ से पानी पी, तेरे को सब बताता हूँ। ये बहुत हाँप रहा था, बहुत डरा हुआ था। वॉचमैन ने इसको पानी वानी पिलाया, अब बताना शुरू किया, भाई मैं यहाँ पे बहुत साल से काम करता हूँ, दरअसल यहाँ पर एक बहुत ही मेहनती लड़का काम किया करता था जिसका नाम था दीपक। बहुत सीधा साधा लड़का था, पूरी दुनिया में उसका कोई नहीं था उसकी माँ के अलावा। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, और जो अपने सेठ जी ना जिसने तेरा इंटरव्यू लिए थे, वो ना बहुत उसकी मासूमियत का फ़ायदा उठाते थे, हर एक इंसान की पगार पूरे टाइम पर कर देते थे, लेकिन उसकी पगार करते ही नहीं थे। कई बार ऐसा हुआ था, दो या तीन बार तो मेरे ही ध्यान में है, उसकी पगार दिए ही नहीं, कहते थे कि किसी की पगार नहीं मिली, अगले महीने करेंगे, उसकी नहीं करते थे बाकी सबकी कर देते थे। हम समझाते थे कि तू पागल है क्या, ऐसी नौकरी कर क्यों रहा है जहाँ पर तेरी पगार भी कोई आदमी खा लेता है, तो ये यही बोलता था, मैंने बहुत कोशिश किया वहाँ पर, मुझे कहीं पर नौकरी नहीं मिली, यहाँ पर नौकरी मिली हुई है और आप लोगों के साथ एडजस्ट हो गया हूँ तो मैं यहीं पर काम करूँगा, पैसे तो सेठ जी दे ही देते हैं, एक महीने नहीं देते हैं तो दूसरे महीने दे देते हैं, और कुछ भी कहो सेठ जी अच्छे ही आदमी हैं। दीपक को किसी में भी कोई भी बुराई दिखती नहीं थी, इतना नेक दिल लड़का था। एक दिन की बात है, उसकी माँ की बहुत तबीयत खराब हो जाती है, वो सेठ जी से 3,000 रुपये की डिमांड करता है। सेठ जी उस दिन भी यही कहते हैं कि बेटा इस बार किसी की पगार नहीं हो पाई है, पैसे बिल्कुल नहीं है, हम दे देंगे तुझे, टेंशन क्यों लेता है। ये सेठ जी के सामने रोने लगा और सेठ जी के पैर पकड़ लिया
सेठ जी, अगर मेरी माँ को कुछ हो गया ना तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। बेचारा थोड़ा भावुक होके इतने ही प्यार से ये बात बोला था। सेठ जी ने उसको लात से एकदम झटकार दिए और क्या बोलते हैं कि तू क्या मेरे ऊपर सब इंजाम लगा रहा है बे, तेरी माँ मरमुरा जाती है तो मेरी क्या गलती रहेगी भाई, हमें ऊपर से पगार नहीं मिली है तो हम तुम्हें नहीं दे सकते, बात खत्म। सेठ जी इतना पत्थर दिल हो गया था उस वक्त के लिए, उसको बहुत बुरा लगा। वो अपने घर पहुंचा तो क्या पाया है, उसकी माँ लिटरली इतनी ज़्यादा बीमार पड़ गई कि कोमा में चली गई। वो बहुत रोया बहुत रोया, फिर से सेठ जी के पास आया अगली रात। बोला सेठ जी, मेरी माँ कोमा में चली गई है और डॉक्टर लोग इतने इतने पैसे मांग रहे हैं, सिर्फ 15,000 रुपये की मदद आप कर दीजिए। देखिए, मैंने आपके कभी कोई बात नहीं काटा हूँ, बाकी के पैसे मैं गांव से इंतजाम कर रहा हूँ, मेरी माँ को बचाना है, उसके अलावा मेरे पूरी दुनिया में कोई नहीं है, प्लीज़ मेरी 15,000 की मदद कर दीजिए। लेकिन सेठ जी ने क्या बोले कि तुझे मैं नौकरी से ही निकालता हूँ, तू नाक में दम कर रहा है, मैं इतने पैसे जेब से तुझे दे नहीं सकता, मेरे पास है भी नहीं, और ऊपर सेठ जी से बात करने में टाइम लगता है। ये बात कह के सेठ जी ने बोल दिए कि कल से तू काम पे मत आना। दीपक को इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा कि फैक्ट्री में रात का वक्त था, उस दिन मशीन चल रही थी किसी काम के चक्कर में, वो गया और उसी मशीन के बीच में जाकर घुस गया जहां पर तू भी अभी जस्ट घुसने की कोशिश कर रहा था। कोई नहीं बचा पाया उसे, उसका ये मुंह वाला और हाथ वाला पार्ट को छोड़कर कुछ नहीं बचा, सब उस मशीन में चकनाचूर हो गया। जैसे तैसे करके उसका हाथ और ये वाला पार्ट खींच लिए थे लोगों ने, उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई थी। उस दिन के बाद से जो कोई भी व्यक्ति रात के समय यहाँ पर काम करने के लिए रुकता, वो अपने आप हिप्नोटाइज हो जाता और इस मशीन के अंदर घुस जाता। बहुत सारे लोग चिल्ला चिल्ला के रात में यहाँ से बाहर निकलते, सब लोग कहने लगे कि दीपक की आत्मा उन्हें यहाँ पर दिखाई देती है, कभी मशीन के बीचों बीच वो तड़पता हुआ दिखाई देता है तो कभी अंदर वाले कैबिन वाले कमरे में गिड़गिड़ाता हुआ, रोता हुआ, बिलखता हुआ दिखाई देता है। धीरे धीरे करके लोगों के मन में इतनी दहशत बैठ गई कि रात में यहाँ पर कोई काम ही नहीं करता। कंप्लीटली ऊपर वाले जो मेन सेठ जी है उनकी तरफ से ये ऑर्डर आ गया कि रात में फैक्ट्री में कोई काम नहीं करेगा। लेकिन जो बीच वाला आदमी है ना, इसको पता नहीं अपना ऐसा कौन सा वर्क फ्लो बनाना हुआ है जिसके चक्कर में वो आए दिन रात में जॉब करने वाले लड़कों की इंटरव्यू लेता। लेकिन बहुत सारे लड़कों ने यहाँ पर चीज़ों को फेस किए और सब भागे। तू आया, तुझे मैंने भी मना करने की कोशिश किया, तेरे दोस्त ने ही मना करने की कोशिश किया जो खुद इस फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन तू नहीं समझा और सही समय पर मैं अंदर आ गया, क्योंकि मशीन रात में चल नहीं सकती थी, ये क्लियरली मना होता है। मुझे मशीन की आवाज़ आई, मैं सोचा कुछ गड़बड़ हो सकती है और मैं अंदर आया, देख कितनी बड़ी गड़बड़ थी, तुझे 1 इंच से बचा लियो नहीं तो तेरी भी चटनी बन गई होती। इसको इतना डर लगा, इतना डर लगा कि ये सचमुच में सोच में पड़ गया था कि मैं यहाँ पर काम करूँ या नहीं करूँ। फिर क्या था, अगले दिन आया और सेठ जी को बहुत प्यार से सारी बातें बोला। सेठ जी, हो सके तो मेरी नौकरी दिन में लगा दो, मुझे बहुत काम की ज़रूरत है, मैं लौट कर नहीं जा सकता हूँ, मेरा पूरा परिवार गांव में मेरे ऊपर निर्भर है। पता नहीं सेठ जी का मन उस समय के लिए कैसे पिघल गया, शायद दीपक की उस घटना की वजह से सेठ जी के माइंड में थोड़ा सा चेंज आया था और दीपक की झलक प्रदीप में भी सेठ जी को दिखी होगी। सेठ जी ने बोल दी कि ठीक है बेटा तू कर, पगार थोड़ी कम दूंगा, 5,000 रुपये मिलेगी दिन में करने की, इन प्रॉपर दिन दिन में नहीं रहेगा, थोड़ा जब फैक्ट्री वाला काम कम्प्लीट होता है ना उसके बाद रख देंगे, 7 बजे तक तू घर चले जाना। इसको जान में जान आई और फिर इसने अपनी लाइफ यहाँ पर ठीक तरीके से कंटिन्यू करा। इस पूरी पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि खुद प्रदीप ने ही इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजा, ताकि मैं सभी को बताऊं और एक सीख दूं कि किसी भी कंडीशन में आपको अपनी जिद कहीं पर भी नहीं लगानी है। अगर आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, और वर्स्ट केस ही मानकर चलिए कि वो गड़बड़ आपके साथ भी हो सकती है, और उस चीज़ से उस जगह से तुरंत हट जाइए। खैर, अभी से एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल के ऑप्शन क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना, और इसी तरह की कोई भी कहानी टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।